सरोजा ये दादूलाल है। बता रहे हैं कि इन्होंने किडनैपिंग का सारा हाल अपनी आंखों से देखा है। अरे इनको तो पहले आना चाहिए था। अब तक तो शायद पूरा केस भी सॉल्व हो जाता। इनको धमकियां मिल रही थी। एनीवेज बताइए क्या देखा है आपने। साहब हम बाजार से सब्जी लेकर आ रहे थे, हमने देखा एक औरत बच्चे को सीने से लगाए तेजी से चली जा रही थी। हमने देखा उसके पीछे दूसरी औरत भी तेजी से भागी जा रही है। हमने सोचा कि उनकी ट्रेन छूटने वाली है, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ते से दौड़ी चली जा रही है। लेकिन फिर जल्दी हमें समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। हमने उसको पीछा किया साहब। अगर तुम सच बोल रहे हो तो उस औरत को देखते तुम्हें पहचान लेना चाहिए। साहब हम उस औरत को देखते देखते रह गए हैं, लेकिन हम उसके कपड़े को पहचान सकते हैं, किसने पैसे दिए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम भला ऐसा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे हम ऐसा, वो भी आदित्य के साथ। क्या बोले जा रहे हैं आप। अब बहू जी हमने आपका नाम थोड़े लिया है, आपके कहने के हिसाब से आपने जेठानी की बच्ची को बेच दी। बकवास कर रहा है ये आदमी, अब क्या बोले जा रहे हैं। हम उसके पीछे भागे थे ये सब बातें सच है, लेकिन बाकी सब कुछ मनगढ़ंत है, सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताओ, जब तुम्हें बच्चा चुराने वाली औरत की साड़ी याद है तो बच्चा बेचने वाली औरत भी याद होगी। जी ठीक है, फिर देखते हैं तुम सरोजा बहू की साड़ी पहचान पाते हो या नहीं। लेकिन एक बात याद रखना साधुलाल, अगर तुम्हारी जबान में हमें जरा भी लालच का मैल दिखा या फिर हमें कहीं भी ऐसा लगा कि झूठ बोल रहे हो तुम, तो तुम्हारी आंख कान और जबान यही छोड़कर जाना होगा तुम्हें। तुम्हें अपने किए की वो सजा मिलेगी कि बुढ़ापा सुधर जाएगा तुम्हारा। तारा बहू एक काम करो, सरोजा बहू के कमरे में जाओ और जितनी साड़ियां हैं वो सब ले आओ। और याद से वो साड़ी जरूर रखना जो उस दिन सरोजा बहू ने पहनी थी। पर अम्मा जी उस दिन जब हम बाजार में आदित्य के लिए भागे थे उस साड़ी में हमें पता नहीं किसने किसने नहीं देखा होगा, और आज अगर ये साड़ी पहचान लेते तो क्या इनके लगाए हुए आरोप साबित हो जाते हमारे ऊपर। तुम्हारा आरोप तो नहीं साबित होगा, लेकिन ये जरूर साबित हो जाएगा कि ये आदमी सच बोल रहा है या नहीं। अब तुम चुप रहो और हमें हमारा काम करने दो।
तारा बहू जाओ जल्दी से लेकर आओ। जी। और हाँ, आते हुए कलावती को जरूर बुला लाना, आज हो ही जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी। जाओ तो। जी पर की अम्मा जी, द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। जब जब हमें आपकी जरूरत होती है तभी आप कहीं चले जाते हैं। हमें जरूरत है आपकी, कहाँ हैं आप? साड़ियां पहचानो। यही है वो साड़ी, उस औरत ने यही साड़ी पहनी थी। इसी साड़ी में उसने बच्चे का सौदा किया था। ये आदमी झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। हमने आदित्री का अपहरण नहीं किया, नहीं किया हमने आदित्री का अपहरण। मंजू दीदी ने करवाया है। कह रहे हमें मंजू दीदी ने खुद बताया उन्होंने हमें। सरोजा बहू, क्या हो गया तुमको? क्यों ऐसा कर रही हो? चाची जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। सरोजा बहू, तुम हमारे साथ भी ऐसे बात करोगी? सबके बीच कहां आते हैं? मंजू बहू, तुम क्यों चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोलते? बोलो। चाची जी, पता नहीं सरोजा को क्या हो गया। सरोजा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मंजू दीदी, हमारा भी आपसे यही सवाल है। हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं। अभी भी समय है, सच सच सबको बता दीजिए, वरना बाद में आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा।
सरोजा बहू, ये साधु लाल ने तुम्हारी साड़ी पहचानी है। उसने जो कुछ भी बताया आदित्री का अपहरण के बारे में, उससे तुम्हारी बातों पे कई सवाल उठते हैं और तुम खामखा मंजू भाभी पर आरोप लगा रही हो। संग्राम भैया, मंजू दीदी दोषी है, बहुत बड़ी दोषी। लेकिन जिन लोगों ने आदित्री के अपहरण से लेकर के साधुलाल की गवाही तक का षड्यंत्र जो रचा है ना, हम उनके चेहरे से मुखौटा तो हटा के ही रहेंगे। सुरोजा बहू, ये सब क्या हो रहा है बेटा? हम आपके सामने सच्चाई जरूर ला करके रहेंगे, बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भाऊजी, हम सच कह रहे हैं और हमें सच्चाई सबके सामने लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। साधुलाल जी, आपने तो हमें कभी देखा नहीं है ना पहले? जी, सिर्फ पीछा करते वक्त आपने हमारी साड़ी देखी थी, है ना? जी। अच्छा, तो आप आज हमारे घर कैसे पहुंच गए? हमारी साड़ी ने आपको फोन करके बुलाया था क्या यहाँ पर? आपको बुलाने में कोई और शामिल है? साधुलाल जी, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी और आपका सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने ले आएगी। इससे बेहतर है कि आप खुद ही सच सबके सामने बता दीजिए। हमें संग्राम भैया ने कहा था यहाँ तक आने के लिए। संग्राम, अगर इसने सरोजा बहू का चेहरा नहीं देखा था तो फिर इसे कैसे पहचाना सिर्फ साड़ी से? अब बड़की अम्मा, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब होने के बाद हम और विजेंद्र भैया खोज में लग गए थे और उसी वक्त ही आदमी हमें मिला। ये क्या बात कर रहे हो संग्राम? मैं तो उस आदमी से पहले कभी नहीं मिला। अब विजेंद्र भैया, आप ठीक कह रहे हैं, जब ये हमें मिला तो आप उस वक्त वहां नहीं थे। हमने सोचा कि ये सरोजा बहू की साड़ी को पहचान लेगा, इसलिए हम इसे यहां ले आए। हेलो, हम तो पुलिस के साथ हैं। क्यों? जी सरोजा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पुलिस को लेकर जल्दी आते हैं, हम सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा सुनिए, राव जी को फोन तो दीजिए। जी। प्रणाम राव जी। राव जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। साधु लाल को वहीं रहने दीजिए, इसे कहीं जाने मत दीजिए। आप किसी को बताइएगा मत, लेकिन हम पुलिस के साथ थोड़ा दूर तक आ गए छानबीन करते करते, सुबह तक आ पाएंगे। ठीक है बेटा, संभाल के। जी बाबूजी, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप साधु लाल को वहीं रखिएगा, कोई जोखिम मत लेना। भाई साहब, माधव ने क्या कहा? माधव सुबह आएगा पुलिस के साथ। वैसे संग्राम भैया, आपने तो हद कर दी। आप इस आदमी के बारे में 4 दिन पहले से जान चुके थे
और ये आपको हमारे बारे में सब कुछ बता चुका था, फिर भी आप इसे आज लेकर के आ रहे हैं, समझ में नहीं आया हमें। बड़के बाबूजी, हम जानते हैं कि आप लोग इस वक्त हमें गलत समझ रहे होंगे, लेकिन हम भी क्या करते हैं? जब ये आदमी हमें मिला तो इसने जब सब कुछ इसके बारे में बताया तो हमारे तो होश ही उड़ गए। बड़के बाबूजी, हम चाहते ना तो इस आदमी को हम पुलिस स्टेशन लेके जाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि घर की इज्जत बाहर जाए। सरोजा, इसने हम पर भी उंगली उठाई, तो यहां तक कि हमारी माई पर भी शक किया इसने, इसलिए इस आदमी को हम यहां लेकर। संग्राम भैया, आप चिंता मत कीजिए, अगर हम गुनहगार हैं, हम मुजरिम हैं, तो हम ही जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं ना। कल सुबह अपने आप पता चल जाएगा कि असली मुजरिम कौन है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मालिक जी, हमने कुछ नहीं किया है, सुबह पुलिस जो भी पूछेगी हम बता देंगे, हमें जाने दीजिए। ठीक है साधुलाल, तुम घर जाओ, सुबह जाना। साधुलाल कहीं नहीं जाएगा। मालिक जी, हम सुबह आ जाएंगे ना, हमें जाने दीजिए। एक बार में बात नहीं सुनाई देती? मालिक जी, हमारे छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, उनके माँ नहीं है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाने दीजिए। मालिक, ये सब आपके घर का मामला है। विजेंद्र बेटा, इनके बच्चों को यहाँ लाने का इंतजाम करो। देखो साधुलाल, तीर कमान से निकल चुका है, पहले पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी, उसके बाद ही तुम्हें घर जाने दिया जाएगा, इसलिए बेहतर होगा बहाने बनाने छोड़ दो। सुबह पुलिस जो भी पूछेगी हम बता देंगे, हमें जाने दीजिए, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना, हमें जाने दीजिए। मालिक, बेकार का नाटक मत फैलाओ साधुलाल, तुम्हारे गिड़गिड़ाने से काम नहीं बनेगा, बल्कि हमारा शक तुम पर और गहराता जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस के आने से पहले ही हम तुम्हारा गिरेबा पकड़कर सच उगलवा दें। विजेंद्र, पकड़ो उसे। बड़के बाबूजी, हम भी जाएं? तुम यही रहो संग्राम, तुमने जो कुछ भी किया है अभी तक के लिए काफी है। मैंने कुछ नहीं किया, कहाँ तक भागेगा साधुलाल? तुमने हमारे घर पर उंगली उठाई, ऐसे तो तुम बच नहीं सकते। शराफत से चलो, वरना बाबूजी की गुंडे तुम्हें चार कंधे पर ले जाने के लिए आएंगे, मर्जी तुम्हारी है। चुप कर, अब आगे की आत्मकथा थाने में सुनाना, चल हौलदार।